सारे सवाल कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। अभी सरकार ये लगा के चलो कि 2 महीने अभी सरकार इंतजार करेगी और उनका यह है कि कटाई अब शुरू होगी तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। जो भी हमको 60 दिन का प्रोग्राम पहले फेज में बनाकर चलना है, कितने लोग रहेंगे, टेंट कैसे लगेंगे, ऊंचे कूलर कैसे रहेंगे, पानी का क्या इंतजाम होगा, क्योंकि बगैर सरकार का इलाज करे यहां से हमको जाना ही नहीं। वो कितना लंबा इसको खींचेगी, वो सड़क दिखावे खाली, यहां से ये दिखावे कि सड़क खाली होगी, अंदर का नहीं दिखाते। देखो जो भी मीडिया के लोग हैं उनका सबका बहुत सम्मान हम करते हैं, उनकी भी मजबूरी है भाई, एक आध दिन दिन दिखा देखो ऐसा क्या, बिल्कुल कसम भी खा रखेंगे, बिल्कुल खाली सड़क दिखाने होंगे भाई, दिखाना फटे हुए बैनर ही दिखाने ने, बहुत चीज हो रही, 3 महीने हो गए, कोई तो शर्म लगती होगी, ये क्यों करवाओ, हम किसी चैनल का बहिष्कार करें, अगर उसके चैनल के मालिक का नाम बता लेंगे कि वो लेकर भाग्य पूरे पैसे आशा कितना उसको कर दिया था, जब क्या करोगे, ये ना काम करोगे किसी चैनल का नाम लेके हम उसका विरोध करें, हम नहीं चाहते कि किसी का हम विरोध करें, अपना दिखाते रहो, सरकार के से आपको जो लेना है अपना लेते रहो, आपको जो एड आर्ड मिल रहे अपना लेते रहो, उनसे आपका सबका सम्मान है। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, ये फसलों के रेट का सवाल है, परसों मंगवाया हमारा मन करेगा कि बाजरे की रोटी खा ले किसी के यहाँ, कह दिया किसी के घर पे, उसने कहा जी बाजरा तो है नहीं, मंगवा दिए 1 किलो आटा दिल्ली में, हमने बेचा बाजरा 11 रुपए किलो, 65 रुपए का 1 किलो आटा मिला। तो लड़ाई ये है भाई, किसान का जाएगा 11 रुपए किलो, बाजार से आटा पीसकर खरीदेंगे वो 65 रुपए किलो, और मॉल में जाएंगे 120 रुपए किलो, मैक्सिमम प्राइस भी देश में तय होंगे कि कौन कितने में खरीदेगा कितने में बेचेगा, हम तो MSP का ही मांग रहे, ये भी देश में तय होंगे। ये तो बड़े लुटेरे आ गए, लुटेराओं के बाद से आगे राणिया होंगे, लुटेरों से लड़े के बाद से लड़े, दोनों इकट्ठे हो गए, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी, कल महाराष्ट्र में है, जहां जहां महाराष्ट्र में जा रहे वहां लॉकडाउन लगा रहे, एक शहर में रखा पहले अकोला में वहां लॉकडाउन लग गया, दूसरे में रखा वहां पर कल रात लगा दे, कल दिन तो खाली है, दिन में करेंगे नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये होंगे प्रोग्राम होंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम चलाते रहो क्योंकि पूरे देश में प्रोग्राम करने हैं। ये कह लेंगे कि आप वहां बंगाल क्या लेने जाओ भाई, बंगाल में आदमी नहीं रहते क्या, MSP उनको भी नहीं मिल रहा, बंगाल में कोई हमारे पे स्टे आ गया कोर्ट का, हम नहीं जा सकते, हम बंगाल में भी जाएंगे गुजरात में भी जाएंगे, बंगाल में तो लोग बहुत राजी हुए, जब बंगाल क्या बताया वहां के किसानों का फोन आया तो यहाँ के किसान बहुत राजी हुए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे बंगाल में, अपना चले जाएंगे, मंगते फकीर है रुकते हुए गांव उधर गांव चले जाएंगे बंगाल में, उनको 5-7-10 दिन का तो 1 महीने का झटका मार जाएंगे वहां पर, और चले चलेंगे क्या, कोई ज्यादा दूर है बंगाल, चलोगे नहीं चलोगे, आज चले गए, ये तो रेल नहीं चल रही, ये ट्रैक्टर से ही मोर्चा पता होगा, मतलब राजनीति की बात हमको कर दी नहीं किसी की, अपनी बात कर दी, आलू के किसान बताते जी हमने जब आलू खरीदा 40 रुपए किलो, अब हमारे खेत का आ गया तो 6 रुपए किलो, तो यही तो बिल है, ये उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये रखेंगे जब किसान की फसल आएगी सस्ता कर देंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर कीमतें उठा देंगे, सबसे ज्यादा बच्चा आगे
करे मैं आप लोगों के हिसाब न करूंगी। करीब 37 लोग को 3 साल पहले हम गए वहां पे, 37 लोगों ने आत्महत्या आप लोगों के सामने करी। बचेगा ही नहीं है, जब बिल है, बिल तो बहुत खतरनाक है, इसके तो निखट पड़त में वो कलम लग गई, जो नुकता है ना, नुकता हुआ नुकता ये लगाते चले जा, नुकता लगाया आदमियों को पता ही नहीं क्या होगा, पैसे बढ़ेगा। एक नुकता लगा दिया छोटा सा, नुकता बहुत खतरनाक थी, जो जैक जीरो के पिछली तरफ लगा दोगे रुपये का पैसा बनाता चले जा, आदमियों को पता ही नहीं। तो यही भाई बिल में है, जब तक 3 बिल वापसी नहीं होते, एमएसपी पे कानून नहीं बनता, हमारे जो कमेटी है उनसे बातचीत नहीं होती, ये आंदोलन जारी रहेगा। आप अपना चलाओ, मैं भी बीच में बोल लिया क्योंकि मेरी भी फ्लाइट है, नहीं तो छूट जाएगी। किसान एकता जिंदाबाद, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान, हमारे शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान। हम ही किसान है, हम ही जवान है, हम ही किसान है। मैं तो कहना बस गाँव कुलसाना तहसील चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश, भाई देख रहे होंगे गेहूँ का खेत है हमारा, बढ़िया फसल खड़ी है, लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ। जोतने का कारण यही है कि ये जो 3 कृषि कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ। हम नहीं जानते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जा में, और मैं को छीनने के लिए 3 काले कानून लेके आई, खरीदारी से सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए। मेरा मानना है आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये दूरी दुनिया ने देखा है। सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करी, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ, मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। तीस हुई दिल में, किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में तीस हुई, ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है। तो सिंघू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक 4-4 लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे, किसान के लिए नहीं तो इंसान के लिए ये कौन सा राजहट है। अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती, मगर ये कौन सा राजहट है, ये घमंड है, ये अहंकार है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, यमुनानगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। मैं
सबसे पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि को बार बार नमन करता हूँ। ये वो भूमि है जिसने कभी अन्याय नहीं सहा। जब भी किसान पे कोई आँच आई तो सबसे पहले आवाज पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इस भूमि से आई। जब भूमि अधिग्रहण को लेकर लड़ाई लड़ने की बात आई तो राहुल जी के नेतृत्व में यही पश्चिमी उत्तर प्रदेश है। पदयात्रा आगरा से लेकर अलीगढ़ तक पदयात्रा हुई और उस पदयात्रा की गूंज देश की संसद तक पहुंची और देश के लिए कानून बना कि किसान की भूमि का पूरा मुआवजा किसान को मिलेगा। और जब अब इस बार देश की सरकार किसान के अधिकार को छीनने के लिए तीन काले कानून लेके आई, खरीदारी से सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए, तो संघर्ष हुआ। जब पंजाब हरियाणा से वो संघर्ष शुरू हुआ तो उस संघर्ष को अगर बल देने का काम किया, उस संघर्ष को मजबूती देने का काम किया, तो इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश की इस भूमि ने किया। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूँ। ये सरकार इन कानूनों को लेकर आई और एक संघर्ष शुरू हुआ। मैं बताना चाहता हूँ आपको, मैं हरियाणा से आया हूँ। ये जो सिंघू बॉर्डर पे धरना है, जो टिकरी बॉर्डर पे धरना है, ये रोहतक और सोनीपत में पड़ता है, आपको पता है। आज भी जब यहाँ पे हमारी सभा हो रही है तो सिंघू बॉर्डर पे 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पे 17 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक चार चार लेन, हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे हैं, शांति प्रिय तरीके से बैठे हैं। 225 शव उस धरने से, उन धरनों से हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांवों में वापस जा चुके हैं। ऐसे ऐसे परिवार हैं। बड़ौदा के एक परिवार से मैं मिल के आया, अजय कुंडू भाई का नाम था। तीन लड़कियां हैं, स्कूल में हैं, कैसे पढ़ाई लिखाई होगी, आगे ब्याह शादी किस तरीके से होगी, कोई हिसाब नहीं लगा पा रहे। मगर सरकार ने इस शांति प्रिय संघर्ष, जिस संघर्ष की गूंज पूरी दुनिया में गई, और मेरा मानना है आज़ादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है, सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज़ कुचलने की कोशिश करी। ऐसी असंवेदनशीलता दिखाई कि जब सदन के अंदर राहुल जी ने संवेदना व्यक्त करने के लिए, शोक प्रकट करने के लिए इन 225 परिवार के लिए, राहुल जी ने कहा कि एक बार आप इनके लिए कुछ कर नहीं सकते, इन परिवारों के लिए तो कम से कम खड़े होकर दो मिनट का मौन रखने का काम करिए, तो पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ। मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी। तीस हुई दिल में किसान के बेटे के रूप में, एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में तीस हुई। ऐसा कौन सा घमंड है, ऐसा कौन सा अहंकार है, ये कौन सा राजहट है? अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता, अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती। मगर ये कौन सा राजहट है, ये घमंड है, ये अहंकार है। और आज इससे आप और हम मिलकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में आज इतनी बड़ी आहुति, पूरे बगरा, चरथावल, मुजफ्फरनगर क्षेत्र ने इतनी बड़ी आहुति दी है, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अभी बात हो रही थी इमरान जी ने, मैं एक बात क्या बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इमरान जी कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में एक फैसला लेना चाहिए कि जो बीजेपी के सांसद विधायक हैं उनसे इस्तीफा दिलाओ, नहीं तो समर्थन लो। हमने एक और फैसला ले लिया हरियाणा में, जमुना पार। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे, जमुना नगर में डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे। उसी हरियाणा ने आज फैसला, जाते थे कि नहीं जाते थे, मैं आज सबसे सवाल पूछता हूँ, उसी हरियाणा ने सवा आज फैसला कर लिया है। एक एक गांव से आपको आवाज आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ता दल के चाहे मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, हर गांव में उनकी एंट्री पे रोक लगा दी गई है। आपको ने देखा मुख्यमंत्री जी वहां पे खट्टर साहब प्रोग्राम नहीं कर पा रहे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो दुष्यंत चौटाला अपने उप मुख्यमंत्री कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। तो मैं अवसर से ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप तो हमेशा आगे रहते हो, तो जब हरियाणा ने फैसला कर लिया, पंजाब का नगर निगम का चुनाव हुआ, उसका नतीजा भी
आपने देखा होगा, तो मैं आप सबसे पूछता हूँ, आप भी ये फैसला करके आज यहाँ से पढ़ लेके जाओगे कि नहीं जाओगे, आप सबसे मैं सवाल पूछता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय। हम हैं किसान क्रांति गेट गाजीपुर दिल्ली पे, और जो गलत फहमी कुछ चैनल वाले, कुछ सरकारों के अधिकारी जो रिपोर्ट दे रहे हैं, वे गलत फहमी अपने दिमाग में से निकाल दें कि यहाँ से किसान चला जाएगा। ये तो है सौदा गर्मी का, या सौदा ये रहा, ठीक है, ये उधेड़ के गर्मी का काम शुरू हो गया और वो अब तक वो पड़ा हुआ है पूरा, वो सर्दी का है ये जितना है। और ये लग गई चटाई, यहीं लगेंगे पंखे, यहीं लगेंगे कूलर और एसी भी लगेंगे। एसी जो दिल्ली में लगते थे ना, दिल्ली की चमकीली कोठियों में, वे दिल्ली की सड़कों पे एसी भी लगेंगे। बिजली उत्तर प्रदेश सरकार दे दे, कनेक्शन दे दे, बिजली नहीं देंगे दिल्ली सरकार से लेंगे, वे भी नहीं देंगे, जनरेटर लगेंगे। यहाँ से किसान जाने वाला है नहीं, बिल्कुल भी, किसी भी सूरत में नहीं जाएगा। ये आगे पूरे के पूरे ये पटेरा है, ये पूरे ठंड को रोकता है, गर्मी को रोकता है। ये लग गए ना गर्मी लगेगी, गांव वालों को चिंता करने की जरूरत नहीं, अपनी फसल की कटाई करो और यहाँ अपना झटका मारते रहो। एक निगाह खेत पर रखो और एक निगाह दिल्ली के आंदोलन पर रखो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। आप अपना ये पूरा जो इंतजाम, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, ये रहा, ये पूरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा, नीचे ये लग जाएगा, इसमें ऊपर पन्नी लग जाएगी, बरसात का भी होगी, सर्दी होगी, गर्मी होगी, इसमें पंखे लग जाएंगे, कोई समस्या यहाँ पे नहीं है। ये आगे जिसको भेजना अपना भाई भेज दो, पटेरा भेजना, ये इसी से ही आंदोलन इस पटेरों से ही चलेगा, यही गांव वालों की फंडिंग है। और इसी पे पूरी पूरी कचौरी भी इसी पे आ जाए, चावल भी इसी के ऊपर गिर ले, हम भंडारों में भी काम आवे, सारी जगह काम आवे। और अभी तो सर्दी का पड़ा, बहुत अड़ंगा पड़ा। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का, किसान क्रांति गेट यूपी गाजीपुर दिल्ली, राकेश टिकैत। सरकार कह रही थी किसानों के साथ बातचीत होगी, तो किसानों दोनों के पक्ष बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन रास्ता फिर भी कहीं निकल रहा है। नरेंद्र तोमर जी का आज बयान आया है जिसके अंदर उन्होंने कहा है कि फार्मर्स दोबारा बातचीत करेंगे, विषय पर बातचीत करी जाएगी। मुझे लगता है केंद्र ने पहले अधिकतम मांगे जो अमेंडमेंट्स के तौर पर वो मानी, और आने वाले दिनों के अंदर बातचीत होती है तो हमें कभी मैटर हो जाएगा। पहले तो आपको करेक्ट कर दूं कि वो SDO भर्ती नहीं, असिस्टेंट एक्सीएन की भर्ती है। और दूसरी चीज, उसके अंदर कोई 22 लोग हरियाणा के नहीं है, 100 से ऊपर युवा हरियाणा के भर्ती है, क्योंकि मैंडेटरी गेट्स की प्री क्वालिफिकेशन को देखते हुए हमारे बच्चे जितने क्वालिफाई हो सके उनको एडिशनल उसके अंदर पॉइंट मिल गया और वो क्वालिफाई। वो लोग ये ट्वीट कर रहे हैं, इस तरह का दुष्प्रचार कर रहे हैं, उनको ये बताना चाहता हूँ कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सरकारी नौकरी में रिस्ट्रिक्शन परमिट नहीं करता डोमिसाइल के, मैं 75% जिस दिन भी गवर्नर से अप्रूव होता है प्राइवेट नौकरियों के अंदर जिन जिन लोगों को आज नौकरी की जरूरत है उसके अंदर 75% हरियाणा के युवा। सर, PM ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर को मजबूत किया जाए, तो हरियाणा में क्या कुछ प्लान रहेगा बजट के अंदर? हमारी नई हरियाणा एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्राइज पॉलिसी जो आई है, जो 2021 से लेकर 26 तक चलेगी, आज बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इन हरियाणा की तरफ देखने लग चुकी है। आने वाले सप्ताह में मारुति से भी हमारी चर्चा चल रही है कि गुड़गांव के प्लांट को एक्सपैंड करें, और हम उम्मीद करते हैं कि इस वित्त वर्ष के अंदर अंदर मारुति भी हमारे प्रदेश के अंदर निवेश के लिए तैयार होते हैं। जिले के लोग हैं, सब लोग आए हुए हैं, उनकी पूरी कमेटी तय कर रही है सारे सवाल कि किस तरह से मूवमेंट को आगे लेकर जाएंगे। अभी सरकार ये लगा के चलो कि 2 महीने अभी सरकार इंतजार करेगी, और उनका यह है कि कटाई अब शुरू होगी तो आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमको 60 दिन
बिक्री का प्रोग्राम पहले मैक्सिमम बढ़ाकर चलना है। कितने लोग रहेंगे, टेंट कैसे लगेंगे, उनसे उधर कैसे रहेंगे, पानी का क्या इंतजाम होगा, क्योंकि बगैर सरकार का इलाज करे यहां से हमको जाना ही नहीं। वो कितना लंबा इसको पहुंचेगी, वो सड़क दिखावे खाली, यहां से ये दिखावे कि सड़क खाली होगी, अंदर का नहीं दिखाते। देखो जो भी मीडिया के लोग हैं उनका सबका बहुत सम्मान हम करते हैं, उनकी भी मजबूरी है भाई, एक आध दिन दिन दिखा देख लो, ऐसा क्या बिल्कुल कसम भी खा रखेंगे, बिल्कुल खाली सड़क दिखानी होंगे भाई, दिखाना हटे हुए मैंने नहीं दिखाने ना, बहुत चीज हो रही, 3 महीने हो गए, कुछ तो शर्म लगती होगी, ये क्यों करवाओ, हम किसी चैनल का बहिष्कार कर रहे हैं है? अगर उसके चैनल के मालिक का नाम बता लगे कि वो लेकर भाग गया पूरे पैसे, आशा कितना उस पर कर्जा था, जब क्या करोगे, ये ना काम करोगे किसी चैनल का नाम लेके हम उसका विरोध करें, हम नहीं चाहते कि किसी का हम विरोध करें, अपना दिखाते रहो, सरकार के से आपको जो लेना है अपना लेते रहो, आपको जो एड आर्ड मिल रहे अपना लेते रहो, उनसे आपका सबका सम्मान है। ये किसान के अस्तित्व की लड़ाई है, ये फसलों के रेट का सवाल है, परसों मंगवाया हमारा मन करेगा कि भाई बाजरे की रोटी खा ले, किसी के यहाँ कह दिया किसी के घर पे, उसने कहा जी बाजरा तो है नहीं, मंगवा दिया 1 किलो आटा दिल्ली में, हमने बेचा बाजरा 11 रुपए किलो, 65 रुपए का 1 किलो आटा मिला, तो लड़ाई ये है भाई, किसान का जाएगा 11 रुपए किलो और बाजार से आटा पीसकर खरीदेंगे वो 65 रुपए किलो, और मॉल में जाएंगे 120 रुपए किलो, मैक्सिमम प्राइस भी देश में तय होंगे कि कौन कितने में खरीदेगा कितने में बेचेगा, हम तो एमएसपी का ही मांग रहे हैं, ये भी देश में तय होंगे, ये तो बड़े लुटेरे आ गए, लुटेराओं के बाद से आगे गाड़िया होंगे, लुटेर से लड़े के बाद से लड़े दोनों इकट्ठे हो गए, लड़ाई बड़ी है, लड़ाई लंबी चलेगी, कल महाराष्ट्र में जहां जहां महाराष्ट्र में जा रहे वहां लॉकडाउन लगा रहे, एक शहर में रखा पहले अकोला में वहां लॉकडाउन लग गया, दूसरे में रखा वहां पर कल रात तक लगा दे, कल दिन तो खाली है, दिन में करेंगे नहीं करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, तो ये हो गए प्रोग्राम होंगे, और यहाँ पे प्रोग्राम चलाते रहो क्योंकि पूरे देश में प्रोग्राम करने हैं, ये कह लगे कि आप वहां बंगाल क्या लेने जाओ भाई, बंगाल में आदमी नहीं रहते गए, मैं उनको भी नहीं मिल रहा, बंगाल में कोई हमारे पे स्टे आ गया कोर्ट का, हम नहीं जा सकते, हम बंगाल में भी जाएंगे गुजरात में भी जाएंगे, बंगाल में तो लोग बहुत राजी हुए, जब बंगाल क्या बताया वहां के किसानों का फोन आया तो यहाँ के किसान बहुत राजी हुए कि हम तो ट्रैक्टर लेकर जाएंगे बंगाल में, अपना चले जाएंगे मन से फकीर है रुकते हुए गांव उधर गांव चले जाएंगे बंगाल तक, को 5-7-10 दिन का तो एक महीने का झटका मार जाओगे वहां पर, हाँ चले चलेंगे, क्या कोई ज्यादा दूर है बंगाल, चलोगे नहीं चलोगे, आज चले, ये तो रेल नहीं चल रही, ये ट्रैक्टर से ही मोर्चा पता होगा, मतलब को राजनीति की बात हमको कर दी नहीं किसी की, अपनी बात कर रही, आलू के किसान बता रहे जी हमने जब आलू खरीदा 40 रुपए किलो, अब हमारे खेत का आकर 6 रुपए किलो, तो यही तो बिल है, ये उनकी होल्डिंग कैपेसिटी है, ये रखेंगे जब किसान की फसल आएगी सस्ता कर देंगे, कोल्ड स्टोर में रखेंगे, पूरा कलेक्ट करेंगे और उसके बाद में फिर कीमतें उठा देंगे, 5000 रुपए किलो। सबसे ज्यादा आप बच्चा आगरे में आलू के किसान ने करी थी, करीब 37 लोग 3 साल पहले हम गए वहां पे, 37 लोग ने आत्महत्या आलू के किसान ने करी, बचेगा ही नहीं है, जब बिल है बिल तो बहुत खतरनाक है, इसके तो निखट पड़त में वो कलम लगी, जो नुक्ता है ना नुक्ता, वो नुक्ता ये लगाते चले जा,
अब नुक्ता लगाया आदमियों को पता ही नहीं क्या रुपयों का पैसे बढ़े तो एक नुक्ता लगा दिया छोटा सा नुक्ता बहुत खतरनाक थी जो जैक जीरो के पिछली तरफ लगा दो रुपयों का पैसा बढ़ाता चले जाओ आदमियों को पता ही नहीं तो यही भाई बिल में है जब तक तीन बिल वापसी नहीं होते एमएसपी पे कानून नहीं बनता हमारे जो कमेटी है उनसे बातचीत नहीं होती ये आंदोलन जारी रहेगा आप अपना चलाओ मैं भी बीच में बोल लिया क्योंकि मेरी भी फ्लाइट है नहीं तो छूट जाएगी किसान एकता जिंदाबाद अमर शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान अमर शहीदों का बलिदान याद करेंगे हिंदुस्तान हम ही किसान है हम ही जवान है हम ही किसान है मैं तो एक अलावा गाँव कुलचाना तहसील चांदपुर जिला बिजनौर उत्तर प्रदेश भाई देख रहे होंगे कि गेहूँ का खेत है हमारा बढ़िया फसल खड़ी है लेकिन इन्हें मैं आज जोत रहा हूँ जोतने का कारण यही है कि ये जो 360 कानून जो आए हैं इनके विरोध में मैं ये अपनी हरी भरी फसल जोत रहा हूँ हम नहीं जानते फालतू के जो है कानून हम पर थोपते जा रहे हैं और मैं को छीनने के लिए तीन काले कानून लेके आई खरीदारी से सरकारी खरीद से पीछे हटकर बड़े उद्योगपतियों के हाथ में देश के किसान को भविष्य को सौंपने की तरफ कदम बढ़ाए मेरा मानना है आजादी की लड़ाई के बाद सबसे बड़ा संघर्ष ये पूरी दुनिया ने देखा है सरकार ने उनकी बात सुनने की बजाय उनकी आवाज कुचलने की कोशिश करी पूरे देश ने देखा पूरी दुनिया ने देखा समूचा विपक्ष उनके नेतृत्व में खड़ा हुआ मगर सत्ता पक्ष उस समय भी मजाक और हंसी की आवाज सत्ता पक्ष की तरफ से आ रही थी तीस हुई दिल में किसान के बेटे के रूप में एक देश के नौजवान के रूप में हमारे दिल में तीस हुई ऐसा कौन सा घमंड है ऐसा कौन सा अहंकार है तो सिंघू बॉर्डर पर 21 किलोमीटर और टिकरी बॉर्डर पर 17 किलोमीटर पहले ट्रैक्टर ट्रॉली से आखिरी ट्रैक्टर ट्रॉली तक चार चार लेन हजारों लाखों की तादाद में आपके भाई वहां बैठे किसान के लिए नहीं तो इंसान के लिए ये कौन सा राजहट है अपनी प्रजा की बात मानने से कोई राजा छोटा नहीं होता अपनी प्रजा की बात मानने से किसी की हार नहीं होती मगर ये कौन सा राजहट है
ये घमंड है, ये अहंकार है। आपको याद होगा जब कांग्रेस की सरकार थी हमारी, वहां पे तो आप जाते थे, गन्ना महंगा बेच के आते थे, डीजल सस्ता खरीद के लेके आते थे, पॉपुलर महंगा बेच के जाते थे।